जिग लाइफ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी उलझन है। पहले प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या समस्या है। तो दोस्तों, एक आदमी है, उसके तीन बेटे हैं और वो आदमी अब मर गया। तो उसके पास थी 17 गायें, तो वो तीनों बेटों के नाम अपनी वसीयत लिख के जाता है। वसीयत का मतलब होता है कि बंटवारा करना, कोई भी उसकी जायदाद है, ज़मीन है, कोई भी धन है, उसका बंटवारा लिख के जाना कि किस किस बेटे को कितना कितना देना है। तो उसने पहले बेटे का हिस्सा लिखा 1/2, यानी आधा हिस्सा पहले बेटे को मिलेगा। दूसरे बेटे का तीसरा हिस्सा वो लिख कर गया कि दूसरे बेटे को 1/3 हिस्सा, मतलब तीसरा हिस्सा उसकी जायदाद या ज़मीन से जो भी चीज़ें हैं उससे उस बेटे को मिलेगा। और तीसरा बेटा है, उसको 9वां हिस्सा, यानी 1/9 हिस्सा उसको उसकी जायदाद में से मिलेगा। तो सभी चीज़ों का बंटवारा हो चुका था, लेकिन लास्ट में जो बंटवारा होना था वो था 17 गायें बची थी, उसका बंटवारा कैसे किया जाए। तीन बेटे हैं, उनके अंदर 17 गायों का बंटवारा कैसे किया जाए। मान लो पहले बेटे को अगर 17 गाय, पहले बेटे का हिस्सा था आधा हिस्सा देना था पहले बेटे को, तो 17 गाय तो 17/2 आधा करेंगे तो 17 का आधा करेंगे तो 8.5 आता है, यानी 8.5 गाय। तो 8.5 गाय का बंटवारा कर नहीं सकते, क्योंकि गाय को कट फिट काटना नहीं चाहिए, यानी कटनी नहीं चाहिए गाय। तो दोस्तों, 8.5 गाय कैसे, या तो 8 गाय हो या फिर 9 गाय हो, 8.5 गाय नहीं कर सकते, क्योंकि गाय, कोई भी गाय को काट छाट नहीं करना है। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरा बेटे का हिस्सा है 1/3 हिस्सा, यानी 17/3, यानी तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4×12 इसका भी पॉइंटों में आता है, यानी कट फिट के आती है गाय, तो सही बंटवारा हो नहीं पा रहा। तो यह मामला बहुत ही गंभीर हो गया, और मामला बहुत ही गंभीर था कि कैसे बंटवारा किया जाए अब। तो यह मामला गांव के सरपंच के पास पहुंच गया। तो सरपंच के पास जाने पर सरपंच भी एक बार सोचने लगा कि ये तो बंटवारा मुश्किल है, कैसे बंटवारा किया जाए। तो सरपंच ने एक सभा बुलवाई तो सभा बुलवाई तो काफ़ी सारे गाँव के लोग सभा में पधारे, और सभी जो समस्या थी उसको सुना, सभी ने समस्या का सुना, समाधान खोजने लगे। और समस्या सुनने के बाद सभी लोग बोले, ये तो बंटवारा कैसे हो, कैसे हो, तो ये बंटवारा कैसे हो सकता है ये बंटवारा। तो फिर उनमें से एक विद्वान आदमी था, उसने बोला कि ये बंटवारा मैं कर सकता हूँ। सभी देखने लगे और सभी पूछने लगे, हाँ भाई कैसे करोगे आप। तो उस विद्वान आदमी ने क्या किया कि एक गाय वो लेके आया, खुद के पास जो गाय थी वो लेके आया, और उसने उन गायों में एक गाय को मिला दिया, यानी 17 की जगह 18 गायें हो गई। 18 गायें होने के बाद बोला कि अब बंटवारा कर लो। तो ऐसा तो कोई आदमी है नहीं कि अपने पास से कुछ ला के दे दे और बंटवारा कर दे, हाँ भाई लो ये भी लो और बांट लो। तो देखो, उस विद्वान आदमी ने क्या दिमाग लगाया कि बंटवारा भी हो जाएगा और वो अपनी गाय को भी वापस लेके चला जाएगा। तो दोस्तों, उसने पहले बेटे का बंटवारा किया, तो पहले बेटे को उसने 18 गायें हो गई तो उसने आधा हिस्सा दे दिया, 9 गाय पहले बेटे को उसने दे दिया। दूसरे बेटे को उसने दिया 18 का तीसरा हिस्सा, यानी 6 गाय दूसरे बेटे को दे दिया। तीसरे बेटे को उसने 9वां हिस्सा, 18 का 9वां हिस्सा, यानी 2 गाय तीसरे बेटे को दे दिया। अब जो बंटवारा हुआ उसके बाद कितनी गाय बेटों के पास चली गई, तो 9 गाय पहले बेटे के पास, 6 गाय दूसरे बेटे के पास, और 2 गाय तीसरे बेटे के पास। तो 9, 6, 15, 15 और 2, 17 गाय का बंटवारा हो चुका, और लास्ट में एक गाय जो बच गई वो विद्वान अपनी गाय को वापस लेकर चला गया। तो दोस्तों, इस प्रकार उसने, विद्वान ने गाय का बंटवारा करवा दिया, और सरपंच ने उस विद्वान को इनाम स्वरूप भेंट प्रदान कर दी। तो दोस्तों, ऐसे हुआ इस प्रॉब्लम का समाधान। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार पहेलियाँ, ट्रिकी जीके, आईएएस इंटरव्यू जीके, और ऐसे ही
कृष्ण को जानने के लिए हमारे चैनल जेके राइप को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।